नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। 33 जिलों की 10 बड़ी खबरें आ चुकी हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको राजस्थान की बड़ी खबरें मिलती रहें। साथ ही आप किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक तो करना ही है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। सभी 33 जिलों में पानी 5000 लेबोरेटरी को NABL एक्रीडेशन। मंत्री महेश जोशी बोले, 600 रुपए में टेस्टिंग होगी। 102 ब्लॉक लेबोरेटरी केमिस्टर कैडर में पोस्ट मंजूर हो चुके हैं। राजस्थान के पीएचडी विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 33 जिलों में चलाई जा रही पीने के पानी की क्वालिटी जांचने वाली लेबोरेटरीज को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL का एक्रीडेशन है, वो मिल गया है। अब तक 30 जिलों को एक्रीडेशन मिला था, जबकि 3 जिलों जैसे चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और प्रतापगढ़ को भी अब एक्रीडेशन मिल गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार का अल्पसंख्यकों को 100 करोड़ रुपए का विकास कोष। अलग अलग स्कीमों पर होगा खर्च, 98 करोड़ 55 लाख का प्रस्ताव मंजूर। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास कोष बनाया है। इसमें से अलग अलग स्कीम्स के लिए 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5 कोरोना मरीजों की मौत। 9,237 नए संक्रमित मिले हैं। तीसरी लहर में पहली बार जयपुर में 3 ने दम तोड़ दिया है। राजस्थान में सोमवार को 9,237 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई है। जयपुर में 3 मौतें हुई है, अलवर में 12 में एक एक मौतें रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात तो ये है कि 5,897 मरीज रिकवर होकर सुरक्षित घर चले गए हैं। ये पॉजिटिव मिले मरीजों का 63.81% है। कहाँ कितने मिले मरीज, आपके जिले से कितने मरीज मिले हैं, इसको लेकर हम बड़ी रिपोर्ट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि अजमेर में 290 मरीज मिले हैं, अलवर में 970, बांसवाड़ा में 69, बारा में 84, बाड़मेर में 330, भरतपुर में 161, भीलवाड़ा में 362, बीकानेर में 326, बूंदी में 33, चित्तौड़गढ़ में 244, चूरू में 31, दौसा में 99, धौलपुर में 112, डूंगरपुर में 125, गंगानगर में 159, हनुमानगढ़ में 347, जयपुर में 2,327, जैसलमेर में 94, जालौर में 20, झालावाड़ में 101, झुंझुनू में 82, जोधपुर में 701, करौली में 89, कोटा में 356 संक्रमित मिले हैं। बात करें नागौर जिले की तो आपको बता दें कि यहाँ 121 मरीज मिले हैं। पाली में 385, प्रतापगढ़ में 163, राजसमंद में 50, सवाईमाधोपुर में 131, सीकर में 241, सिरोही में 155, टोंक में 31, उदयपुर में 647 केस मिले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार के PWAD, PHD और स्वायत्त शासन विभाग में 1092 जूनियर इंजीनियर्स JN की भर्ती होगी। भर्ती के लिए अभ्यर्थी 19 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण, यह भी बड़ी खबर है। राजस्थान गहलोत सरकार का बेरोजगारों को बड़ा तोहफा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सह ठिकानों पर कस्टम की रेड, 2000 करोड़ रुपए की गोल्ड तस्करी पकड़ी। कस्टम्स ने प्रदेश में गोल्ड तस्करों के सह ठिकानों पर 13 जनवरी से 15 जनवरी तक छापे मारकर 2000 करोड़ रुपए की तस्करी का खुलासा किया है। मामले में उदयपुर की हवाला कारोबारी विक्रम सिंह कसावा और होटल मैनेजर कमलेश नागदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय, श्रीगंगानगर जिले के 7 गांव अभावग्रस्त घोषित, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा आदान अनुदान। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग तथा इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों को हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दे दिए थे, जिसमें अनूपगढ़ और विजयनगर तहसील के 73 किसानों की फसलों में 73% से अधिक खराब होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर श्रीगंगानगर जिले के 7 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वायरस कमजोर नहीं हुआ, आप मजबूत हुए हैं। 18 जिलों में 10,087 में से 7,796 रोगी ऐसे जिन्हें दोनों डोज लगी है, लेकिन ICU ऑक्सीजन पर बिना टीके वाले ज्यादा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को सभी 33 जिलों में 9,237 नए रोगी आए हैं, जबकि 5 रोगियों की मौत हो गई है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान 5,894 रोगी ठीक हुए हैं। हालांकि प्रदेश की संक्रमण दर तीसरी लहर में पहली बार 37.29% पहुंच गई है, यानी हर 100 सैंपल में से 66 पॉजिटिव मिले हैं। इसी बीच रात की खबर है कि पिछली लहर के मुकाबले मौतों की संख्या अब बेहद कम हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान वेदर रिपोर्ट को लेकर है, धुंध और कोहरे के सहे में आधा राजस्थान। पूरे राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है, कड़कड़ाती ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में धुंध कोहरे की वजह से 50 मीटर से ज्यादा दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 साल बाद राजस्थान में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम आंकी गई है। हालांकि बात करें मौसम विभाग केंद्र ने 18 जनवरी को राजस्थान के कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।
इसमें पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर जिले में कहीं कहीं शीतलहर और घना कोहरा रहने की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, टोंक जिले में शीतलहर के साथ घना कोहरा रहेगा। इसी तरह अजमेर, धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, भरतपुर, जयपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है वो रहेगी। ये थी राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।